और इसी बात पे टाटा से है ना आपको और मुझे प्यार है। सर इतना बड़ा टर्नओवर होने के बाद और इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी इसका चेयरमैन कभी भी इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं बना। क्यों नहीं बना सोचो, क्योंकि रिलायंस अगर इतनी बड़ी है तो उसका मालिक भैया इंडिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में आता है। अडानी ग्रुप बड़ा हो रहा है तो गौतम अडानी आता है। उधर अमेजन बड़ी होती है तो जेफ बेजोस का नाम आता है। जब टाटा ग्रुप इतना बड़ा है तो इनके चेयरमैन का नाम क्यों नहीं आता, टाटा फैमिली का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि इन्होंने कहा ये जितना भी पैसा कमाया जा रहा है, जितना भी पूरा ग्रुप है, इसकी ओनरशिप है टाटा सन्स के पास। और टाटा सन्स के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो कौन है? टाटा फैमिली नहीं, इनकी कोई एक कंपनी नहीं, इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं इनकी ट्रस्ट। 28% शेयर है सर दोराबजी ट्रस्ट के नाम पे, 23% है सर रतन टाटा ट्रस्ट के नाम पे, फिर 4% है जेआरडी टाटा ट्रस्ट के नाम पे। कुल मिला के इसके जो ओनर हैं इन्होंने किसको बनाया? ट्रस्ट को, कि ग्रुप जितना भी पैसा कमाएगा वो भैया जाएगा ट्रस्ट के पास, और ट्रस्ट क्या करेगी उसको भाई सब चैरिटी में खर्च कर देगी। मतलब इसका मतलब ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य घर भरना नहीं है, इसका उद्देश्य समाज के लिए लगाना। हमारे रतन टाटा जी इतने बाद भी अमीर क्यों नहीं है? रतन टाटा के पास टाटा सन्स के कितने शेयर हैं? कैन यू इमेजिन? 0.83, 1% से भी कम शेयर है रतन टाटा के पास पूरे टाटा सन्स का। इसीलिए टाटा लव है हमारा,